नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के अंत में। मैं हूँ दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट जारी। दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए मामलों के बाद विभाग ने इस बारे में एडवाइजरी की जारी। स्वास्थ्य विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी कर ली है तैयारियाँ। आखिर महीनों से चली आ रही हमीरपुर बस स्टैंड के खोखों को हटाने की प्रक्रिया को मंगलवार शाम को जिला प्रशासन ने दिया अंजाम। मंगलवार शाम को जैसे ही दुकानदारों ने बस स्टैंड के पास जेसीबी को देखा तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल आया नजर। ऊना में तहसीलदार पर हुए हमले के विरोध में प्रदेश तहसीलदार संघ ने विरोध जताते हुए आज काले बिल्ले लगाकर निपटाया कामकाज। वहीं कानून को पटवारी संघ की हमीरपुर इकाई ने भी इस हमले की निंदा। राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर में चारों सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग की गई हमीरपुर के बजट भवन में। इस अवसर पर डीपीआरओ हेमंत कुमार भी रहे मौजूद।